होगा आपने है? काम नहीं दिया था तो रिपीट तो पक्का किया होगा। डिटरमिनेंट क्या होता है? नहीं तो मैं जल्दी मारूंगा। डिटरमिनेंट क्या होता है? देखो जैसे एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, क्या है स्क्वेयर मैट्रिक्स? स्क्वेयर मैट्रिक्स पता है ना बच्चों क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर 2x2 होता है, मतलब 2x2 नहीं सॉरी रोज और कॉलम जिसमें सेम होते हैं वो क्या होती है? स्क्वेयर मैट्रिक्स। जैसे ये एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, क्या हो रहा है ठीक है? ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वेयर मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है? 3x3 है ना, दोनों क्या है? स्क्वेयर मैट्रिक्स है। बच्चों स्क्वेयर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर होता है, स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं, एक नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, उसे बोला जाता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। और उस नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिटरमिनेंट ए को ऐसे लिखा जाएगा, इसे क्या ऊपर वाला ऊपर जो लिखा उसको पढ़ोगे मैट्रिक्स, और जो नीचे लिखा है इसको पढ़ोगे डिटरमिनेंट, ठीक है? और डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स से जब डिटरमिनेंट बनाते हैं तो ये जो वर्टिकल जो ये दो ब्रैकेट थे, ब्रैकेट्स को कॉलम में चेंज कर दोगे ऐसे, वर्टिकल कॉलम 2, 3, 4, 1, जो नीचे लिखा है उसको पढ़ोगे डिटरमिनेंट ए, ऊपर जो लिखा है उसको क्या पढ़ोगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, और नीचे लिखा है उसको क्या पढ़ोगे डिटरमिनेंट, ठीक है? और डिटरमिनेंट होता है एक नंबर, और वो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2x2 में वो नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सॉरी पहले 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया माइनस, ऐसे 4, 3 जा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो कितना आंसर आ गया? ये -10। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया? -10 आया, ज्यादा ही हो गया, सही आ गया। मेरा तो भी आ गया जा, अबे ये तो इसी साथ बैठ गया, तो तेरे साथ बैठना भी कोई मेरा ना गया नहीं है, बैठ रहा है उधर रख दे ना, उसको बोल काम करे, ठीक है बच्चों? ये क्या आया है? डिटरमिनेंट। इस मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा? -10, करेक्ट। 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसको आता है 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बच्चों, डिटरमिनेंट बी को क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट बी क्या होगा? आवाज मत करो भाई। 3, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, इसे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट बी। क्या पढ़ेंगे इसको? डिटरमिनेंट बी। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? ये हमारी क्या है? फर्स्ट रो। सर रिकॉर्ड इसके लिए कर रहे हो। ये हमारी क्या है? फर्स्ट रो। ऐसे कभी कोई मांग ले फर्स्ट रो, लास्ट वीक बहुत करी थी इसी में पढ़ी याद ठीक है। ये कौन सी रो है? सेकंड। ये कौन सी रो है? थर्ड। ये कौन सा कॉलम है? C1। ये कौन सा कॉलम है? C2। ये कौन सा कॉलम है? C3। बता मत करो, ठीक है? डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। क्या? डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे पहले हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? इस डिटरमिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करो, क्या लिखोगे? देखो जरा डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या आएगी, ये पहले एक बार समझो। पहले ये एलिमेंट लिखना है 3, ठीक है, इनटू में इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ दो पूरी को,
ठीक है, उस पूरी रो को छोड़ देना है और उस कॉलम को भी छोड़ देना है, उस पूरे कॉलम को भी छोड़ देना है। समझ आया क्या करना है? पूरी रो को छोड़ देना है और पूरे कॉलम को छोड़ देना है, करेक्ट। जो चार एलिमेंट बचे हैं इनसे एक छोटा डिटरमिनेंट बताओ, बनाओ, 5, 6, 2, 3, एक छोटा डिटरमिनेंट, माइनर डिटरमिनेंट, इससे एक माइनर डिटरमिनेंट बनाना है, ठीक है बच्चों। दिस, उसके बाद जैसे हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे ना, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे, उसके बाद इस सेकेंड एलिमेंट को लिखना है, लेकिन यहां माइनस साइन लगाना है। क्या साइन लगाना है? माइनस, पहले वाले के साथ प्लस, फिर दूसरे वाले के साथ माइनस। ये भी मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या लिखना है? 1। फिर 1 जिस रो में है उस रो को भी छोड़ दो और उस कॉलम को भी छोड़ दो, करेक्ट। उस रो को भी छोड़ देना है, कॉलम को भी छोड़ देना है। तो बचे हुए चार एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं? 4, 6, 1, 3, इनसे एक माइनर डिटरमिनेंट बनाओ, 4, 6, 1, 3। समझ आया ये? फिर नेक्स्ट एलिमेंट, हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा? 2। और 2 के लिए लिखना है प्लस, 2 के लिए क्या लिखना है? प्लस, ठीक है। अच्छा, और यहां से 2 जिस रो में है उस रो को भी छोड़ना है और उस कॉलम को भी छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। तो बचेंगे ये चार एलिमेंट, इन चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बनाओ, 4, 5, 1, 2। यहां तक समझ आया? क्लियर है? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना सिखाया था। 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है, ठीक है। 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट ऐसे एक्सपेंड होता है, थोड़ा सा। तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, देखना जरा। देखो 3 × ये क्या होगा बच्चों? 15 − 12, 3 × 15 − 12, समझ आया ये? माइनस में 1, माइनस 1 × बताओ जरा कहां पर? 12। माइनस में 12 − 6, 12 − 6, फिर प्लस में 2, 8 − 5, ठीक है, 8 − समझ आए? ऐसे करना है। सो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 × ये कितना बचा? 3 − 1 × 12 − 6, 6 + 2 × कितना? 3। 9 − 6 + 5, ठीक है, कितना हो गया? 6 ठीक है। हाँ बताओ, ये तो कट ही हो गया, 9 आंसर आ गया, समझ आए? ऐसे कर लिखो इसको, ठीक है। सेकंड रो के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? जब 4 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस। 5 के लिए लिखेंगे तो प्लस, और 6 के लिए लिखेंगे तो माइनस। और डिटरमिनेंट वैसे ही जैसे 4 के लिए करोगे, तो 4 जिस रो में है उस रो को छोड़ देना है, 4 जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ देना है। बचे हुए चार एलिमेंट्स का एक डिटरमिनेंट बनाओगे जो यहां लिखोगे। सिमिलर, जब 5 के लिए लिखोगे 5 के लिए, तो 5 जिस रो में है उस रो को छोड़ना है और उस कॉलम को भी छोड़ देना है, ठीक है। बचे हुए चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बनाओगे वो यहां लिखोगे। सिमिलरली 6 के लिए, 6 जिस रो में है वो रो छोड़नी है, वो कॉलम छोड़ना है। बचे हुए चार एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट आपको लिखना है, ठीक है। यहां पर करो इसको, करके लिखो कितनी वैल्यू आती है। एक्सरसाइज कौन सी है भैया? 1.4.1, क्वेश्चन 3। ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें, ए मैट्रिक्स कितनी दी हुई है? 1, 2, 4, 1। पहले यहां से 2A निकालो, 2A मैट्रिक्स निकालनी है, तो 2A के लिए क्या हो जाएगा? पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, काटना
टू फोर एट और फोर, ये ठीक है बच्चों। ए का डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, टू माइनस एट यानी कि माइनस सिक्स, ठीक है माइनस चौबीस। टू ए का डिटरमिनेंट निकालो देखो कितना है, एट माइनस थर्टी टू कितना आ गया, माइनस चौबीस, ठीक है। टू ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया भाई, आ गया सर माइनस चौबीस। इसको आप लिख सकते हो माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स, क्या लिख सकते हो, फोर इंटू माइनस सिक्स, जो कि क्या बन जाएगा, फोर इंटू डिटरमिनेंट ए। तो टू ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया, दिस, ऐसे करो। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है अभी, किस किस को पूछना है, और किसी को पूछना है बताओ, क्वेश्चन बताओ। एक्स क्यूब माइनस एक्स भाई ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन डिटरमिनेंट, ठीक है दिस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ गया, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस, ठीक है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है वहां पर, बताओ ये क्या आएगा। या तो तुम ये ब्रैकेट खोल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट आइडेंटिटी भी होती है ये, देख लो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज प्लस है, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये बनेगा एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या आ गया यहां से, एक्स क्यूब माइनस वन, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट इज बताओ फाइनल आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक मिनट मैंने तुझे क्या बताया दिखा ना, एक्स क्यूब माइनस वन, अच्छा ये प्लस वन की आइडेंटिटी थी, प्लस करोगे यहाँ पर, ठीक है तो वन और वन मिलके क्या हो जाएंगे टू, ठीक है ये फाइनल आंसर आएगा। करो नेक्स्ट, कौन से वाले ये कौन से उठे तो नहीं है, सर वेरिएबल दिया हुआ है इक्वेट करना है, नॉर्मल डिटरमिनेंट ही निकालना है ना, जैसे वेरिएबल हाँ लिखा, हाँ दोनों साइड पे डिटरमिनेंट इक्वल कर, बस नॉर्मली करना है अपने आप निकल जाएगा, इक्वेशन बनेगी अपने आप निकल जाएगा, बस क्या हो गया, तुमने तो पिछले वाले वीडियो देख के वो काम दिखा दिया था ना, पीछे वीडियो देख के वो आज मैं भेज दूँगा, एक लिंक मैंने उसमें डाला हुआ है वाला दूसरे वाला बता दूँगा, अब नहीं तो भी दोनों लिंक, दो लिंक पे एबसेंट थी, एक पे दोनों, तो दोनों लिंक एक लिंक पर डरा हुआ पहले और दूसरे वाले मैं आज डाल दूँगा, वो दोनों पूरे करके मुझे चेक करवाओगे। विष्णु भी एबसेंट था ना क्लास में, पूरे क्वेश्चन बोलते नहीं क्लास में, दूसरे क्वेश्चन नहीं था।
तो ये रहा मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए था हमारा, ये मैट्रिक्स ए था, ठीक है। टू ए निकालोगे तो इस मैट्रिक्स को पूरे को टू से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा। फिर दोनों के डिटरमिनेंट निकालो अलग अलग, ए का भी डिटरमिनेंट निकालो और टू ए का भी डिटरमिनेंट निकालो।